टेंशन है भी जमीन किला जमीन दो ग्राम अगे बेच बैठा मुड़ के मुझे वो चल वे ना मूँह वालों चल मैं ध्यान धप्पा करता दुकान से शिमला की मैं ना मैं आगे वेना मैं भी मेरा पिछले दिन नौजवान गुरसेवक सिंह की उसके पिता वालों ही उसका गल घुट के उसनू मौत दे घाट उतार दिता गया सी। अज उसका बयान उसके पिता का सामने आया। असं पिछले दिन भी कह रहे थे कि पुलिस नू जेड़ी वह जानकारी दे रहा उसके विच यही आख रहा कि आर्थिक हालात जिम्मेवार है, पर अज फिर उसने आर्थिक हालातों का पहला जिक्र किया कि आर्थिक हालात जिम्मेवार आ, पर परिवारक मैंबर पहला तो उन्होंने सुध-बुध सी जिहड़ी वह गुआच गई सी, क्योंकि 12 साल बाद जिहड़े छोटे बच्चे ने उन्होंने घर जन्म लिया सी उसनू ही मौत दे घाट उतार दिता सी, ते उसका कातल भी उन्होंने घर के विच ही मौजूद सी, ते इस करके उन्होंने कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हुण जिहड़ी तफतीश की गई है उस दे विच ये पता लगा है कि मैंटली तौर पर जिहड़ा गुरसेवक सिंह का पिता उसके हालात ठीक नहीं सी, करजे दे विच काफ़ी ज़्यादा वो तसिया होया सी, दो कनाला पैली विच गई सी, ते होर भी उसके कई जिहड़े हैरानी करन वाले जिहड़े होर जिहड़े तत् सामने आए आ तुहानू दस दिंदे आ। तो उसदे विच यही है कि उसदे किते ना किते जिहड़े गैर संबंध भी सीगे, इस करके भी जिहड़ा उसने घिनौनी जिहड़ी हरकत कीती है सीमेंट दी दुकान दे उत्ते लगा होया सी, हालांकि वह अपने मूँह यही आख रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा प्यार सी उसकी पत्नी नाल उसकी बेटी नाल ते उसदे बेटे नाल, पर उसने कहा कि पहला वह अपने आप नू भी मारना चाहुंदा सी, पर उन्होंने सोचा कि उसका छोटा बच्चा रुल जाएगा, इस करके पहला उसने अपने छोटे बच्चे नू मौत दे घाट उतार दिता, तो बाद दे विच उन्हें अपनी जान देन दी जिहड़ी व्यौंत बनाई सी, पर उस तो पहला पुलिस ने उसनू गिरफ्तार कर लिया। हुण भी उसदे जिहड़े मैंटली जिहड़ी हालत आ, क्योंकि बहुत वड्डा उन्हें घिनौनी हरकत कीती आ, हर पासे थू थू हो रही है, इस करके उसदे मैंटली हालात हुण भी ठीक नहीं गए।